फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खुशबू आप लोगों का वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं घर में ना जैसे वीडियो स्टार्ट करते सबको काम लग जाती है, तो मैं कल रात को ना लेट हो गया आने में, बहुत थक भी गए थे, तो मैं वीडियो नहीं की थी, तो उसमें हो जाएगा एंड। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही है, बच्चे 9 बज रहे हैं, ट्यूशन जाना है, लेट हो रहा है, रेडी हो रहे हैं सब, और सब प्रसाद रख रही थी, सबको जिसको जिसको देना है ना सब मैं सब इकट्ठा कर रही थी, और उससे वीडियो स्टार्ट कर दूँ तो हो जाएगा, नहीं तो रह जाएगा। क्या क्या मम्मी ने मेरी दिया है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, मुझे दिखा देती हूँ। मैं तो सब सामान रखने में इधर उधर करने में, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, क्योंकि कल नहीं थी तो पूरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मम्मी ने मुझे क्या क्या दिया है। प्लीज़ जो भी नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए मम्मी ने मुझे मेरे सबसे पहले ये घी, देख लीजिए मेरे बेटे का घी आ गया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, खाना भी नहीं खा रहा था, जब से ख़त्म ही हुआ था लगभग। और उसके बाद और मेरी मामी ने, खास पर मामी ने दिया है सब। अरे देखिए लड्डू, ये वाले लड्डू किसको किसको पसंद है ज़रूर बताना। थैंक यू मामी को मेरे, ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए, और उन्होंने भेजा है सब। पापा को बोलो लेके आने के लिए चॉकलेट, मैं नहीं जाऊँगी, बता दे रही हूँ। और देखिए कोरौड़ी जो बोलते बड़ी, ये एक डब्बा है, और ये है खटाई। मैं भी खोल नहीं रही हूँ फ्रेंड्स, ये आम की खटाई है, क्योंकि बहुत टाइम है बिजी। और ये तेल राई का, शुद्ध राई का तेल गांव का है, तो ये सब आया है। और क्या आया है? हाँ ये तो मेरे मम्मी पापा तो ज़रूरी देंगे, क्योंकि दुकान है तो सब दे ही देते, जल्द भर देते हैं। तो लहसुन अदरक भी है, तो ये सब आया है। आम भी है, ये देखिए आम भी था, इतना आम दिए थे पापा ज़बरदस्ती। और भी पपाया सब दे रहे थे, मैं नहीं ली क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न हो गया था, यही 3 किलो था घी, तो ज़्यादा वज़न है, सब थक भी गए थे इसलिए। तो कैसा लगा सब मेरा मायके का ब्लॉग और जू का, सब ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये सब सामान इतना मुझे आया है, थैंक यू सो मच मामी को, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए भेजा है, मम्मी लेके आई हैं, उसके लिए भी धन्यवाद भाई। इतना तबीयत भी नहीं ठीक था, फिर भी सब भोजन था, आया सामान। तो ये देखिए ये आंटी ने दिया है गांव से, आंटी भी गई थी मेरे सामने वाली आंटी, उन्होंने ये दिया है गांव से लाया है। तो यही सब है, जो भी रहेगा वीडियो में बने रहिएगा, ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। रेडी हो रहे हैं, और यहाँ पर प्रसाद है, मैंने सब लगा दिया है सबको देने के लिए, एक एक करके ऐसा। ये देखिए सब यहाँ पे ऐसे देते हैं, तो हम भी ऐसे दे रहे हैं सबको। अब ये प्रसाद और सबको दिया जाएगा बाद में। तो फ्रेंड्स ये है दूसरे दिन का क्लिप है, मॉर्निंग का 7 बज रहा है, और हम वॉकिंग पे निकले हैं, और पूरा हम डीमार्ट तक, हमारे इधर डीमार्ट है वहाँ जा रहे हैं। ऐसे कुछ सामान भी लेना था तो हम चल दिए। सामान क्या लेना था? रेनकोट लेना था बच्चों का, तो बोले चलो मॉर्निंग के टाइम में हम वॉकिंग पूरा तो जाते हैं डीमार्ट तक, तो चल के देख लेते हैं, रहेगा तो ले लेंगे। इतना मॉर्निंग में गए थे फ्रेंड्स, पूरा खाली था, अच्छा लग रहा था, बट मिला नहीं, ख़त्म हो गया था। यहाँ पे कितनी हरियाली है, बारिश की वजह से अभी सब पूरे हरियाली हो गई, अच्छा लग रहा है। हम डीमार्ट आ भी गए, मैं बोल रही थी कि पहले कस्टमर हम ही लोग हैं क्या, चल रहे हो जो? तो ये हंसने लगी, बोले नहीं यार मॉर्निंग में सब खुला होता है, चलो चलते हैं। तो हम जा रहे हैं, तो उसके बाद घर पे आने के बाद बनाई हूँ पूड़ी बना है, सब्जी और दाल चावल यही सब बना है। पूड़ी सब्जी टिफ़िन में जाएगा बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, और ये मेरा हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा पूड़ी सब्जी। रोटी है, रोटी और सब्जी हस्बैंड टिफ़िन ले जाएंगे, पूड़ी सब्जी बच्चे ले जाएंगे, और ब्रेकफास्ट जिसको करना है वो करेगा। तो मैं ये सब बनाई हूँ फ्रेंड्स, बज रहे हैं 9:30 होने वाले हैं। उसके बाद ये है शाम का क्लिप, मैं बीच में नहीं ले पाई, बहुत बिजी रूटीन चल रहा था। ये है मकई जो बोलते, मैंने निकाल कर ऐसे भून लिया था, बहुत ही अच्छा लगता है, लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। और क्योंकि मैं बज रहे हैं, देखिए 8 बज रहे हैं, बजने वाले हैं, फिर दिया बत्ती हो गया है, मेरा टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड्स।
इतनी जल्दी जल्दी रहती है ना, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर पाऊँ। तो ये नाइट का, उसके बाद का फिर मैं यहाँ पर रोटी सब्जी बना रही हूँ, देख लीजिए आप लोग भी। मैं साइंटिस्ट हूँ ना, फिर सबको काम में लगाऊंगा, आपको आप सोना आराम से। हाँ देखिए फ्रेंड्स, इतना बर्तन है, मैं तो एकदम परेशान। अब भी इतना ही मैं धो के कभी 8 बजे मैं धुली थी बर्तन सब, फिर से अभी सब खाए पिए गेस्ट आए थे, वो खा पी के गए, इतना बर्तन हो गया, मन नहीं कर रहा है मेरा। वही मैं बेटे को बोल रही थी, तुम लोग अच्छे से पढ़ लिख लो, अच्छे से भाई का अच्छे से पोस्ट पे रहो, ताकि भाई मुझे आगे ना करना पड़े, भाई रहेगी काम करने वाले लोग रहेंगे, वो लोग करेंगे। तो वही बोल रहा है मेरा बड़ा बेटा कि मैं करूँगा मम्मी, पढ़ूँगा अच्छे से। और जो छोटा बेटा है वो बोल रहा है, और जो छोटा बेटा है शशांक, क्या बोल रहा है, अभी तो कर लो, अभी कहाँ से फोन आएगा करने के लिए, अभी हम लोग छोटे हैं, जब पढ़ लिख बड़े हो जाएंगे तब ना कोई आएगा, अभी तो आपको ही करना है, जाओ कर लो भाषण। वो बहुत बदमाश है, वो बात भी सही बोल रहा है, अभी तो कर लो, अभी थोड़ी कोई करने आएगा। अब बोलता है कुछ होगा तो आप यही बोलती हो, अच्छे से पढ़ो लिखो, अच्छे से पढ़ो लिखो, बड़े हो जाओ, आगे बढ़ो। तो फ्रेंड्स, हर माँ बाप यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहती हूँ, तो मुझे ऐसे बोल रहा है, पता नहीं क्या करेगा, मुझे तो बहुत टेंशन होता है। तो जब से ट्राइपॉड नहीं है ना, तब से वीडियो बहुत बेकार बन रहा है लाइट के वजह से। ट्राइपॉड कब बनेगा कुछ पता नहीं, अभी हस्बैंड को तो पता भी नहीं है, हो गए 10-15 दिन हो गए, क्या पता क्या होगा, ऐसे ही तैसे वीडियो बन रहा। बीच में हम बाहर गए थे तो वहाँ का वीडियो ज़्यादा हो गया था, वही चल रहा था, अभी ये चल रहा है, देखते हैं सब मेरी फ्रेंड्स, देखते हैं मॉर्निंग का भी क्या कैसे जो भी रहेगा, आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। प्लीज़ जो भी न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या बोलोगे? मैं बताऊँ क्या बनना, साइंटिस्ट। हाँ इन्हें साइंटिस्ट बनना है, शशांक को आईएएस बनना है। भगवान आप लोग अपना विशेष दीजिएगा, भगवान माता रानी करे ये लोग अच्छे से पढ़े लिखे, ताकि हमारी गरीबी दूर हो, हम बहुत परेशान हैं, बस हम बोलते नहीं हैं फ्रेंड्स, जो भी रहता है, इसलिए तो हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आए, नहीं तो क्या पड़ी थी हमें, हम मेहनत दिन रात एक किए हैं, पता नहीं इसमें भी क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, बर्तन धो के शशांक की बात सही है, फालतू बकबक करने से अच्छा जो काम है उसे कर लो पहले, जब काम करने वाले लगेंगे तो लगेंगे। वो सही बोल रहा है, इससे 10:30 होने वाले हैं, क्योंकि गेस्ट आए थे तो दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाना था, तो हो गया है हमारा, डिनर हो चुका है, हमें आगे कुछ सिखा नहीं पाई फ्रेंड्स। ट्राइपॉड की वजह से बहुत दिक्कत होती है, लोग सुनते नहीं है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं चलिए सब जल्दी जल्दी धो लूँ, फिर देखते हैं आगे।